आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन का जो भी तुमको क्वेश्चंस वगैरह होगा, उम्मीद है कि बना लिया होगा। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जिस भी क्वेश्चन को किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो, जो भी समय अगर नहीं बन पा रहा हो, तो उसके लिए हम राइस्टल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसके उसमें तो कोई भी न्यूमेरिकल्स हो या कोई भी तुमको प्रॉब्लम हो जो भी, या किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो समझने में, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। उसके लिए उसमें जो है ईमेल आईडी या तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है, उस ऐप पर जाओ, राइस्टल इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसमें तुम्हारे वीडियो लेक्चर हैं, तुम्हारा किसी भी हर सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव जेई मेंस जेई एडवांस या नीट के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कंप्लीट ऐप है जिसके द्वारा तुम इंजीनियरिंग या मेडिकल किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत हो या बोर्ड के एग्जाम के लिए भी जहाँ दिक्कत हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम्हारा क्या हो गया, तो इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये दो तरह का होता है। एक सेल होता है जिसमें कि केमिकल एनर्जी तुमको कन्वर्ट होता है। एक इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हो गए, एक गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सील। इसमें हो गया कि तुमको ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये गैल्वेनिक सेल। दूसरा जो तुम्हारा सेल है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसका काम है जस्ट इसका उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी, तो दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा काम करता है। दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए। तो जो हम लोग पहले पढ़ेंगे, अभी हम लोग पहले डिटेल पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल का इस चैप्टर में, देर आफ्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, और चैप्टर के लास्ट में जो है कुछ जो हम लोग का जो सेल है, जो कि बैटरी जो हमारा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैटरी में कुछ स्पेशल टाइप के जो बैटरीज होते हैं, जो कॉमनली यूज्ड बैटरी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो गैल्वेनिक सेल क्या होगा तुम्हारा, गैल्वेनिक सेल हो गया जो कि हमको किसमें बदलता है, गैल्वेनिक सेल हमको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सामान्य बैटरी हम लोग यूज करते हैं जो सेल कहते हैं उसे गैल्वेनिक सेल कहेंगे, जो गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन करेगा तो जिसके द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो इसमें बेसिकली तुमको दो, इसका जो बनावट होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें दो जो तुम्हारा है गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं जो आपस में सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड हो गया ये, और एक यहां पर, एक तुम्हारा क्या हो गया, एक यहां पर दे दो इसको इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड यहां पर हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइट्स आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स है ये, और ये तुम्हारा हो गया एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ होगा। इसको क्या किया जाए दोनों को, ये तुम्हारा सेल हो गया, मतलब तो सेल को में कुछ हो गया तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इसको जो है इस सेल को इसको सॉल्ट ब्रिज से क्या कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। ये तुमको सॉल्ट का ब्रिज रहता है जो दोनों को कनेक्ट किए हुए रहता है, ये सॉल्ट ब्रिज है, एक दूसरे को इससे सॉल्ट के द्वारा कनेक्ट रहता है, ये सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसको, ये सॉल्ट ब्रिज है। किसी भी सेल की यही कंस्ट्रक्शन होती है, ये सॉल्ट ब्रिज है तुम्हारा। तो ये तुमको है इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये इलेक्ट्रोड कहलाता है, ये हाफ सेल हो गया। ये दो, कोई सेल जो है दो हाफ सेल से मिलकर बना, ये एक हाफ सेल हुआ,
ये हाफ सेल है ये भी, और इसको भी हाफ सेल कहिए, दोनों को मिलकर के क्या बन गया, एक सेल बन जाता है। और दोनों में जहां तक है ये हाफ सेल हो गया तुम्हारा, तो दो हाफ सेल हाफ इसके मिलकर क्या बन गया, एक बन जाता है, एक सेल बनता है। तो एक हाफ सेल में क्या क्या होता है, एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड है और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और दूसरे में भी एक इलेक्ट्रोड है और उसके इलेक्ट्रोलाइट हैं, और एक इलेक्ट्रोड है जिस पर कि ऑक्सीडेशन होता है और एक पर रिडक्शन होता है। तो दोनों तरह के, दो तरह के इलेक्ट्रोड हो गए, एक तुमको ऑक्सीडेशन वाला, एक रिडक्शन वाला। तो किसी भी सेल में यही चार कंपोनेंट होंगे, एक तुम्हारा इलेक्ट्रोड होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोड होगा जो कि क्या चीज, निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड काम करता है दैट इज कॉल्ड एनोड। ये तुम्हारा क्या हो गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, अगर इसको मान लेते हैं क्या चीज हो गया तुम्हारा, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये एनोड कर सकते हो, ये है एनोड हो गया तुम्हारा, इसको एनोड कहो, निगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम एनोड हो गया। दूसरा है तुम्हारा जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड, जैसे एक सेल है जिसका नाम है तुमको डेनियल सेल, तो किसी भी सेल में यही होगा, उसमें मटेरियल बदल जाएंगे, मटेरियल अलग अलग होंगे, किसी में इलेक्ट्रोड जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोड कैथोड का में अलग मटेरियल होगा, एनोड पे अलग मटेरियल होगा, इलेक्ट्रोलाइट उसके बदल जाएंगे, इसके अकॉर्डिंगली बहुत प्रकार के सेल बन सकते हैं। तो हम लोग जिस सेल की आज एक एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं जिसका नाम है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में क्या होता है, जेडन को एक इलेक्ट्रोड होता है और एक एक जिंक का होता है इलेक्ट्रोड और एक होता है तुमको। तो डेनियल सेल में, इन डेनियल सेल, ये तुम्हारा डेनियल सेल एग्जांपल ग्रुप में किसको देते हैं, डेनियल सेल लिखते हैं। तो ये तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, ये या तो तुम्हारा अभी नहीं तो इसको लिख लो, ये मान लेते हैं एनोड है तुम्हारा, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया एनोड है, एनोड ये किसका बना हुआ है, डेनियल सेल में ये एनोड होता है जेडन का, जेडन इलेक्ट्रोड, जेडन रॉड है ये इन डेनियल सेल, ये किसका बना रहे हैं अब हम लोग, डेनियल सेल करते हैं इसको, अब इसको जो है ये जो सेल है डेनियल सेल कर देते हैं। और डेनियल सेल, तो ये जो तुम्हारा हो गया डेनियल सेल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जो जेडन का इलेक्ट्रोड है, तो ये तुमको निगेटिव मतलब होता है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा डेनियल सेल में, ये तुम्हारा हो गया जेडन इलेक्ट्रोड, जेडन रॉड है, ये तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड को का नाम हो गया एनोड। और इधर तुम्हारा जो हो गया ये कॉपर रॉड होता है, ये किसका तुम्हारा है, ये कॉपर रॉड हो गया जो कि किसका काम करेगा, ये कॉपर रॉड होगा जो कि तुम्हारा कॉपर रॉड किसका वर्क करेगा, दैट इज ये तुमको कैथोड का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा क्या क्या चीज हो गया यहां पर, ये कॉपर रॉड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा यहां जेडन का इलेक्ट्रोड हो गया, और इधर की तरफ हो गया तुम्हारा कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, तो जिंक के इलेक्ट्रोड हो गया, ये तुम्हारा हो गया कौन सी का, कॉपर रॉड, कॉपर रॉड दैट इज कैथोड हो गया, ये हो गया कैथोड, ये तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा डेंगल सेल में, तुम्हारा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये तुमको जेडन टू प्लस होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये तुम्हारा जेडन टू प्लस होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हो गए ये तुम्हारा जेडन टू प्लस का हो गया इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जेडन टू प्लस, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दैट इज ये तुम्हारा सीयू टू प्लस, इसमें इलेक्ट्रोलाइट हो गए सीयू टू प्लस, इलेक्ट्रोलाइट सीयू टू प्लस का होता है, सीयूएसओ फोर देते सीयू टू प्लस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक डेनियल सेल बन गया जिसमें कि दो, एक जेडन रॉड का हो गया, जेडन रॉड है और वह जेडन टू प्लस इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, एक कॉपर रॉड है जो कि कॉपर टू प्लस में, इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिए तो दैट इज क्या हो गया तुम्हें, ये एक सेल बन गया। और अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों जो रॉड है तुम्हारा कॉपर का, ये कॉपर रॉड है और ये तुम्हारा क्या है जेडन का रॉड है, कॉपर रॉड और जेडन रॉड को क्या कर दिया जाए, अगर ये कंडक्टर, ये कंडक्ट कर देंगे यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर देंगे एक वायर से, इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा तुमको, ये करंट फ्लो होने लगेगा, इसको अगर किससे जोड़ दिया जाए, ये तुमको अगर जोड़ दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग कंडक्टर से ऐड कर देंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा तुमको, इसमें ये दोनों रॉड को किससे, कंडक्टिंग वायर से ऐड कर देंगे, इसे इसको कंडक्टिंग वायर से ऐड कर दिए, कंडक्टर हो गया, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, तो करंट रिएक्शन टेक्स प्लेस होने लगेगा। इसमें क्या रिएक्शन होगा ये देखो, एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोड पे होता है तुम्हारा, इस पे एनोड में, डेनियल सेल में एनोड पे होगा, तुमको जेडन से बन जाएगा, जेडन बनने लगता है जेडन टू प्लस,
Zn2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन ये जो दिया इसलिए ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन इस पर डिपॉजिट हो रहा है दैट इज निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा ये। और कैथोड पे क्या होगा तुम्हारा इसमें रिएक्शन, कैथोड में कॉपर सीयू टू प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन गया सीयू बन गया, सीयू टू प्लस से बन गया सीयू, तो ये एक्वा सॉल्यूशन में रहता है दोनों, सीयू टू प्लस जो है टू प्लस एक्वा सॉल्यूशन में सीयू बन गया। तो यहां पर देखते हैं एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जेडन से जेडन टू प्लस बन रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन, जेडन का ऑक्सीडेशन जो पहले क्या है जीरो है और वहां पे टू प्लस हो गया, तो दैट इज जीरो से टू प्लस हो गया। तो इस तरह के केमिकल रेडॉक्स में क्या कहते हैं इसको, सेल में हमेशा एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, केमिकल सेल जो तुम्हारा है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, जो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों टेक्स प्लेस होगा। तो यहां पर देखें जेडन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से क्या होगा, जीरो से प्लस टू हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो से प्लस टू हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ या इलेक्ट्रॉन का लूज करना, यह भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जिस भी आधार पर कहें तो ये जो तुम्हारा हो गया ये किस तरह का हाफ सेल हो गया, ये तुम्हारा ये तुमको ऑक्सीडेशन का हाफ सेल हो गया। इधर क्या हो रहा है तुम्हारा लेफ्ट साइड में जो तुम्हारा जो अभी हम जेडन का जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पर जेडन का इलेक्ट्रोड जिसमें क्या दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये दो हाफ सेल था तो इस तरह के हाफ सेल को क्या कह सकते हैं, इधर के ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया ये, क्योंकि जेडन इसमें दे दिए। और इधर जो हाफ सेल था इसमें क्या हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी तुम्हारा हाफ सेल, तो ये तुम्हारा क्या हो गया रिडक्शन हाफ सेल कह सकते हैं इसको। तो ये दोनों जो रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये रिडक्शन का हाफ सेल हो गया, तो जिसमें दो तरह के, तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, देखो ओवरऑल रिएक्शन इसको ऐड कर दें तो टू प्लस इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो जेड एन प्लस सी यू टू प्लस से क्या बन जाएगा, जेड एन टू प्लस प्लस सी यू, ये क्या होगा तुम्हारा सेल रिएक्शन हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन, सेल में तुम्हारा होने वाला टोटल रिएक्शन है जिसको सेल रिएक्शन कहते हैं। तो ये सेल रिएक्शन हो गया, तो ये तुम्हारा होगा जेडन से जेडन टू प्लस और सीयू से क्या बन गया सीयू टू प्लस, तो जेडन से जेडन टू प्लस सीयू टू प्लस से सीयू, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया इस सेल जेडियल सेल का। तो अभी तक क्या क्या सीखा, एक सेल में कोई भी जो गैल्वेनिक सेल है उसमें क्या कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक को कैथोड कहेंगे, कैथोड तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है। तो इसमें जो तुमको है एक हमने एग्जांपल के रूप में अभी एक सेल जो यहां बनाया है जिसमें कि जेडन का रॉड है जो कि किसका काम कर रहा है, जो कि जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज एनोड का काम कर रहा है, और जेडन टू प्लस उसका इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है तुमको एक कॉपर का रॉड है जो कि किसका काम कर रहा है कैथोड का, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है सी टू प्लस, और इस सेल को कहते हैं हम लोग डेनियल सेल कहते हैं, एग्जांपल के रूप में हमने दिखाया है इसमें। और जो ऑक्सीडेशन जिस हाफ, ये दो हाफ सेल हो गए जिसमें ऑक्सीडेशन का हाफ सेल और एक क्या हो रहा रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया गया और एक कंडक्टिंग वायर से उसको ऐड कर दें, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो सेल रिएक्शन यहाँ तुमको दोनों का अलग अलग भी दिया हुआ है और यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन डेंगल सेल भी लिखा हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं कि जेडन से जेडन टू प्लस बनना क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ, सीयू टू प्लस से सीयू, प्लस टू से जीरो हो गया दैट इज रिडक्शन हुआ, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। और इसको जहां तक की है तुमको ये जो सेल रिएक्शन है यहां पर इसका तुमको यहां पे वैल्यू हो गया तुम्हारा, मतलब सेल रिएक्शन तुम्हारा लिख दिया गया। अब सेल में आईपीएसी कन्वेंशन के मुताबिक जो कि एनोड का हाफ सेल है उसको लिखा जाता है लेफ्ट में, आईपीएसी कन्वेंशन में एनोड को लिखा जाता है लेफ्ट में, आईपीएसी के आधार पर रिप्रेजेंटेशन, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, तो आईयूपीएसी है तुम्हारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तुम्हारा ये सारा नॉर्म्स तय करता है किसको क्या मानना है, किसको कैसे लिखना है, किसको पॉजिटिव मानना है, किसको नेगेटिव, ये सारे इसको कहते हैं, या नोमेनक्लेचर में भी तुम इसका नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक में, ये सारे जो कि केमिस्ट्री के जितने भी कन्वेंशन हैं जो रूल हैं सब यही तय कर किया जाता है इसी के द्वारा। तो आईयूपीएसी ने कहा कि जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है
एक सेल को रिप्रेजेंट कर, इतना बड़ा पिक्चर बनाना हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता है, तो उसको एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं एक लाइन में बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आईयूपीएससी का कन्वेंशन है कि लेफ्ट साइड में एनोड का लिखिए। पहले देखिए लेफ्ट साइड में एनोड कौन है आपका, ZN है, तो ZN का पहले सॉलिड दीजिए और ये वर्टिकल लाइन जो कि तुमको सेपरेट कर रहा है इसको इलेक्ट्रोलाइट से, ZN2+ कह दिए इसको, ZN2+ इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन है ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो एक्वस दे दीजिए, और यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन दे दीजिए, ये सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा, CU2+ इसमें भी एक्वस, और इसको दे दीजिए वर्टिकल लाइन से CU सॉलिड इलेक्ट्रोड हो गया, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, और ये जो तुम्हारा हो गया दोनों के बीच में क्या हो गया तुम्हारा, ये सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है, और ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट किए हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को, एक इलेक्ट्रोलाइट है ये तुम्हारा हो गया, और लेफ्ट साइड में किसको दिया गया है एनोड को, ये क्या है तुम्हारा लेफ्ट हाफ सेल जो है तुम्हारा एनोड हाफ सेल है, ये एनोड हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल है इधर, और इधर की तरफ कौन है कैथोड है, इधर की तरफ सी टू प्लस और कौन कैथोड है, और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कैथोड हाफ सेल है इधर, तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हुआ, एनोड को लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, एनोड को ZN से ZN2+ लेफ्ट साइड में, फिर सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन दिया, एक वर्टिकल लाइन से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करना है, और डबल वर्टिकल लाइन से दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करना है, तो ये आईपीएससी कन्वेंशन, दोनों इलेक्ट्रोलाइट से डबल वर्टिकल लाइन से कन्वेंशन जो कि सॉल्ट ब्रिज को सेपरेट करता है, सॉल्ट ब्रिज हो गया, और उसके बाद जो तुमको एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, और इलेक्ट्रोलाइट का अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा है ZN सॉलिड है, इसका क्या है तुम्हारा ZN2+, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका मोलरिटी अगर तुम्हारा है कॉन्सेंट्रेशन पता है तो इसका लिख दीजिए, जैसे 1m कॉन्सेंट्रेशन लिखिए 1 मोलरिटी, इसको ब्रैकेट में लिखिए, सी टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता है इसको भी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलरिटी है जो स्टैंडर्ड में रखते हैं तो 1 मोलरिटी इसका लिख दीजिए, या जितना कॉन्सेंट्रेशन उसको ब्रैकेट में वहां पर डाल दीजिए, तो इस तरह से क्या करते सेल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आईपीएससी रिप्रेजेंटेशन है। तो आईपीएससी रिप्रेजेंटेशन में सेल का क्या हो गया, किसी सेल में एनोड के साइड कौन, एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है, और एनोड क्या होता है तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड के में जस्ट यही बात को अगर करें एनोड कैथोड को क्या किधर लिखा जाता है, राइट साइड लिखते हैं आईपीएससी रिप्रेजेंटेशन में, दूसरा वो कैसा इलेक्ट्रोड होता है दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और उस पर कैसी रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं इस तरह से। तो बात रहा कि इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, कुछ मतलब कि एक एब्रिविएशन लिख देते हैं जिससे कि तुमको याद रखने में ये मदद करेगा तुमको, एल ओ ए एन लोन, इसमें क्या हो गया एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, इसको याद करने के लिए तुम्हें लिख दे रहे कोडिंग, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, ए से क्या हो गया एनोड, एन फॉर निगेटिव, तो एल ओ ए एन इसको याद करने के लिए क्या हो गया लोन याद रख लो, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, तो जाहिर है कि कैथोड के लिए ऑटोमेटिक राइट हो गया, वहां रिडक्शन होगा और एनोड कैथोड होगा और पॉजिटिव होगा, तो मतलब कि अगर एक साइड याद हो गया तो एक दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तुम्हें, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, ये चार शब्द याद रखिए, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव एल ओ ए एन, तो आपको यदि याद रह जाए किस पर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसको रिप्रेजेंटेशन में एनोड को, उस पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है और वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जैसे कि हाँ ZN इलेक्ट्रोड है तो ऑटोमेटिक दूसरा इलेक्ट्रोड का ऑटोमेटिक आपको याद हो गया, जो अगर लेफ्ट में लिखते हैं एनोड को तो राइट में कैथोड लिखाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन होता है उसमें रिडक्शन होगा कैथोड पर और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, तो इस तरह से तुम्हें क्या हो गया यहां पर पता चल जाएगा। और जहां तक कि इसके बात रहा कि इसका अब जो है तुमको इस तो इलेक्ट्रो मतलब कि ये जो तुम्हारा पूरा हो गया क्या क्या गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर जैसे केमिकल तुम्हारा कुछ ZN से ZN2+ बन रहा है, ZN का खर्च हो रहा है और CU2+ का खर्च होकर क्या बन रहा है कॉपर, CU2+ यूज हो रहा है, ZN और CU2+ के मतलब यूज होकर के कुछ नए प्रोडक्ट बन रहे, केमिकल रिएक्शन चल रहा है और इसी केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा है, इसी केमिकल रिएक्शन से हमको इस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है जिससे हम क्या कर सकते हैं इसको चला सकते हैं। अब जाहिर है कि इसमें करंट का डायरेक्शन वगैरह देखें तो क्या होगा, करंट में तुमको अगर बैटरी का देखा जाए तो इसका तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा इसको मिटा दे रहे हैं तो ये डैनियल सेल के रूप में इसका रिप्रेजेंट करके बता दिया गया। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह की चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो इसमें याद रखोगे लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव
तो इससे तुमको याद करने में भी मदद मिल जाएगी, और सेल का तुमने बनावट कंस्ट्रक्शन समझ गया होगा, आईपीएससी रिप्रेजेंटेशन भी तुम्हारा इसी में हो गया, आईपीएससी में कैसे लिखते हैं, किसको लेफ्ट लिखते हैं, किसको आईपीएससी में किसको एनोड को क्या लिखा जाता है, आईपीएससी रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा गया है, एक वर्टिकल लाइन किसको सेपरेट करता है, एक वर्टिकल लाइन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करता है, और दो वर्टिकल लाइन से हम लोग सेपरेट करते हैं किसको, दो इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको जाहिर है कि अगर हम लोग सेल जो है, सेल में अगर करंट फ्लो होता है, तो करंट तो फ्लो होता है जब करंट फ्लो होगा, जबकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम लोग जो फिजिक्स में जो पहले से पढ़ते आए हो, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि करंट तो तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, जो भी अभी जो मैंने जैसे डेनियल सेल का ही एग्जांपल लिखा, एक केमिकल रिएक्शन जब सेल में हो रहा है, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रोड एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि जगन इलेक्ट्रोड का जो अभी एग्जांपल था, उसका कुछ पोटेंशियल अलग है, कॉपर इलेक्ट्रोड का कुछ अलग पोटेंशियल होगा, और यही कारण से दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस हुआ होगा, जिसके कारण कि क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ होगा। तो इस बात का मेजरमेंट कैसे होगा कि कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, किस इलेक्ट्रोड का, तो ये जानना होगा। जैसे जेडन से जेडन टू प्लस बना, एक रिएक्शन हो रहा था, या सी टू प्लस से सी यू बना, तो सब इस रिएक्शन हो रहा था, इससे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है। तो पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म, कभी पोटेंशियल को मापने के लिए, कभी पोटेंशियल जो होता है तुम्हारा एक लीटर किसको जीरो मानेंगे, तो इसको जीरो मानेंगे तो इसके रिफरेंस में इसका पोटेंशियल इतना होगा, ऐसा कर एक उसके रिलेटिव में लिया जाता है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रोड रहता है, हर इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होगा, जैसे जेरन इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होगा, जेड कॉपर इलेक्ट्रोड का अपना होगा, सबका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, और जब दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण करंट क्या होने लगता है, फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो क्या क्या बात हो गई कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुए करंट फ्लो नहीं हुआ है, ये तो हम लोग जानते हैं, भी कर टू आई आर ओम्स लॉ 10 में ही काफी फेमस लॉ है जो पढ़े होंगे। तो करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो इट मींस कि वहां पर सर्किट में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्रिएट हो रहा है, और केमिकल डिफरेंस, तो इसका मतलब दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल पर डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल जब भी रिलेटिव टर्म है, तो उसमें क्या करना होगा, एक किसी इलेक्ट्रोड को, किसी इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, रिफरेंस मानना पड़ेगा, कि चलिए इसका रिफरेंस जीरो ले लिए, इसके रिलेटिव में सबका मेजर करते हैं, तो सबका सबको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डिफाइन कर पाएंगे अलग अलग। तो क्या बोला गया, समझ में आ गया होगा कुछ बात, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तभी करंट फ्लो हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो सभी इलेक्ट्रोड के अपने अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे, तो और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मानने के लिए किसी एक रिलेटिव की जरूरत पड़ेगी, जिसके रिफरेंस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस पोटेंशियल को मेजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक जो है आईपीएससी ने एक सजेस्ट किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कि हम लोग जीरो मानेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका पोटेंशियल क्या मान लिया जाएगा, जीरो लिया जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन तो जाहिर है गैस के रूप में रहता है, तो उसका तो क्षार बन नहीं सकता है इलेक्ट्रोड, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें है तुमको एक प्लेटिनम का रॉड लेते हैं, एक किसका रॉड ले लिया जाता है, एक प्लेटिनम रॉड को डिप्ट कर देता है, एक प्लेटिनम रॉड यह है, ये प्लेटिनम रॉड हो गया, प्लेटिनम रॉड इसको जिम डूबा हुआ है, ये प्लेटिनम रॉड, प्लेटिनम रॉड डिप्ड इन 1M सॉल्यूशन ऑफ H प्लस, ये क्या है तुम्हारा, और इसमें H2 गैस फ्लो कराया जाता है, H2 गैस को पास कराया जाता है, H2 गैस को यहां से पास कराओ 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, जैसे यहां से H2 गैस को पास करने का एक जगह दे दो, यहाँ से तो मतलब 1M, या H2 गैस को इधर से दे दो, जैसे यहाँ पर से दो, H2 गैस यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से पास कराएंगे H2 गैस 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, और इधर से एग्जिट दे दो, यहाँ से मतलब निकालने का दे दो एक जगह से H2 गैस को, यहाँ से
ये एग्जिट दे दो यहाँ से निकलने का, एच टू गैस। तो इसमें जो है तुमको ये होता है, तुमको क्या चीज, ये प्लेटिनम रॉड है और इसको 1MH+ सॉल्यूशन में डिप्ड किए हुए हैं। ये वन मोलेरिटी क्या है तुम्हारा, एक वन मोलेरिटी एच प्लस सॉल्यूशन, वन मोलेरिटी एच प्लस सॉल्यूशन, वन मोलेरिटी एच प्लस आयन का सॉल्यूशन है और इसमें एच टू गैस वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर पास करा रहे हैं। वो एच टू गैस वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे पास कराएं तो जिससे कि इसका वन एम इसका मेंटेन रहे। तो इसको एच टू वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इससे फ्लो कराया जा रहा है। एक विशेष प्रकार का सेल बनाया गया जिसमें कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रखा गया, प्लेटिनम रॉड डिप्ड इन 1MH+ सॉल्यूशन, प्लेटिनम रॉड डिप्ड इन 1MH+ सॉल्यूशन, एच प्लस सॉल्यूशन इन विच H2 इज पास्ड एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो एट 298 केल्विन। ये 298 केल्विन इसका जीरो लिया जाता है पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मान लिया गया, जीरो मान लिया गया। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग IPSC रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको PT रॉड कॉमन H2 इसमें पास कराया जाता है, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑब्लिक क्या हो गया, H+1M, ये तुम्हारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको हम लोग जीरो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस ढंग का सिंबल देते हैं, जाई कहते हैं इसको। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 1M2H+H2 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इसका हो गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जैसे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1M होना चाहिए, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1M, स्टैंडर्ड का मतलब वही हुआ 298 केल्विन, H2 1M स्टैंडर्ड। ये जो सिंबल दिया गया है स्टैंडर्ड, ऊपर में नॉट जो लगाते हैं, ये किसके लिए दिया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के लिए, जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इसका 1M एंड इसका जो है तुम्हारा कहते हैं टेम्परेचर 298 केल्विन, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसी स्टैंडर्ड कंडीशन को जो ओबे करता है तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या माना गया है, जीरो माना गया। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। तो जिसमें क्या फिर से इसको करते हैं रिपीट, प्लेटिनम का रॉड डिप्ड है 1MH+ सॉल्यूशन में जिसमें कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास कराया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेकन टू बी जीरो अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन। IPSC ने इसे क्या माना है, IPSC ने इसे इसके इलेक्ट्रोड इसी को माना गया और इसी के रेफरेंस में सबका निकालते हैं। अब बात आ गई दूसरा का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या डिफाइन करेंगे, अब कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा का डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रोड का जिसका अब निकालना है, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रोड तो ये हो गया, अब वो दूसरा का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो चलो देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, कोई भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, तो जितना हाफ सेल है जैसे कि ZN के हैं, कॉपर के हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं, एल्युमिनियम के हो सकते हैं, क्लोरीन के हो सकते हैं, ढेरे बहुत सा हाफ सेल आप बना सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना डिफाइन करेंगे, अब ये सवाल आया।
तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए अगर कोई हाफ सेल है आपका, जैसे कि कोई मेटल का है जैसे, तो इसका हाफ सेल है तो इसका कितना पोटेंशियल होगा। तो ये तो जब भी किसी के इसको कैसे मेजर करेंगे, जब ये कुछ इसका अपना कोई पोटेंशियल जब भी इसको कनेक्ट करना है तो इसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए कोई भी मेटल है, ये मेटल रॉड हो गया, मेटल रॉड, और ये क्या हो गया उसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, और इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कीजिए। इसको किसके साथ ऐड करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या चीज का रॉड होता था, ये प्लेटिनम रॉड होता है, पीटी रॉड, ये तुम्हारा 1MH+ सॉल्यूशन, इसमें और H2 गैस फ्लो कराएंगे इसमें 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, तो ये H2 गैस इसमें जा रहा है और इधर से H2 गैस क्या होगा निकलेगा, और ये 1MH+ सॉल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके साथ कपलिंग कर दीजिए, तो इसके साथ जब जोड़ देंगे तो इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर कर लिया जाए, जो कि वोल्टमीटर वगैरह का जिसकी में से भी क्या कर दें मेजर कर सकते हैं, तो जब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाएगा इन दोनों सेल को यहाँ पर से, तो ये किसका कहलाएगा, ये जो तुम्हारा सेल का यहाँ पर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, इस जब इसका तो जीरो ही है तो जो भी डिफरेंस है इसका कहलाएगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये जो रीडिंग है इसका, ये किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस हाफ सेल, इसका कहलाएगा, चूंकि इसका तो जीरो ही है आपने लिया है, तो इसका तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये बात रहा कि इस पर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, अगर इस पे तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पॉजिटिव लीजिएगा तो इस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इस पर अगर रिडक्शन इस सेल पे हो रहा है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेना है, इसका अगर इस पर रिडक्शन होगा, अगर दूसरा जो मेटल आपने या दूसरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संदर्भ में याद करें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो जीरो लिया जाता है, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अगर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अगर रिडक्शन हो रहा है तो इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर तो इस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इस रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव लीजिएगा, इसका मतलब होगा अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव लेंगे, और अगर इस पर क्या हो रहा है, इसका इस पर रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे। तो जो मेटल होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कोई मेटल जो है गुड जो रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जेडन, एफी, ये सब एक्टिव मेटल में आते हैं, ये सब गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देते हैं, जो कि हम लोग ऐसा पढ़ते भी हैं जेडन प्लस क्या होगा, जैसे तुम्हारा जेडन का इलेक्ट्रोड लिया, अगर जेडन प्लस 2H+ से क्या बन जाता है, Zn2++H2, तो इसका क्या होगा, Zn का ये तुम्हारा H2 बना, तो अगर इसके साथ इसको Zn का इलेक्ट्रोड को हमने कपलिंग किया तो Zn पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, Zn पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn का रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, निगेटिव। तो इन तो Zn पे ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn एट स्टैंडर्ड कंडीशन जो भी है तुम्हारा 1M सॉल्यूशन लिया गया इसका, तो Zn का तुम्हारा Zn2+ का क्या होगा, तुम्हारा 1M मोलरिटी है इसका भी, और H+ का भी 1 मोलरिटी है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड, इसका पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन टू बी निगेटिव। तो इसको जो पहले पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी का मेजर करने क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ उसको कंबाइन करेंगे, स्टैंडर्ड उसको जब और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको उस दूसरे इलेक्ट्रोड का माना जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो जीरो ही होगा। और बात रही गई कि उसको पॉजिटिव लेना कि निगेटिव लेना है, तो अगर उस पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेना होगा, जैसे Zn का तुमको लिखेंगे यहाँ पर, देखो कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड के लिए फिर दिया जैसे 298 के लिए 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो Zn2+/Zn इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, तो निगेटिव होगा, माइनस में आएगा इसका वैल्यू, निगेटिव लेंगे इसका वैल्यू, जहां तक देखोगे तुम्हारे लिए तो जिसका -0.76 वोल्ट होता है। तो ये तुम्हारा जैसे टेबल तैयार किया गया इसका मतलब मेजर करेंगे, अगर इसको दे दिए Zn का रॉड दे दिए तो ये तुम्हारा इतना इसमें वोल्ट आएगा, और इसको निगेटिव क्यों लिया गया इसका रिडक्शन, चूंकि इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ Zn से Zn2+ बन रहा है तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ देखो Zn2+/Zn लिखा हुआ है, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया, जो कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा तुम्हारा, तो माइनस में लिखा जाएगा। और इसी का जैसे उल्टा अगर तुमको देंगे जैसे कॉपर का होता तो देखो यही बात पलट जाती, कॉपर रहता यहां तो ये Cu+ क्या जाता तुमको H2
तो ये तुम्हारा हो जाता कॉपर में, ये क्या होता Cu2 प्लस प्लस H2 से बन जाता तुमको Cu प्लस 2H+, ऐसा बनता। तो इस स्थिति में क्या हो गया, कॉपर में क्या हो रहा था, कॉपर का यहां पर रिडक्शन ही हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड देंगे इसमें कॉपर का Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu ये पॉजिटिव में देंगे और दैट्स इक्वल टू क्या हो गया प्लस 0.34 वोल्ट। ये जो डाटा मैं लिख रहा हूं ये मुझे याद है, तुमको ये टेबल में दिया हुआ रहता है, ये तो इसके आधार पर ये जो डाटा है जो टेबल में रहेगा ये टेबल से मैंने लिया है जो मैंने याद किया है, तो इस टेबल के आधार पर क्या कर सकते हैं इसको हम लोग नोट कर सकते हैं जो इसका। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर एक हम लोग एक सीरीज बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोड ये जो जितना लिखते जाएंगे तो सबको एक सीरीज में बना लेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग मेटल को यूज करके इसका क्या कर दिया जाएगा, इसका जो है तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इसका वैल्यू सबका कैलकुलेट करके एक टेबल बनाया जाएगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए सीरीज इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट मेटल्स। तो जिस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि तुम्हारे किताब में बना हुआ एनसीईआरटी का बुक देखोगे उसमें बना हुआ भी है। तो सबसे ऊपर में जो रहेगा क्या रहेगा तुम्हारा, सबसे ऊपर में रहेगा तुमको जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका के पहले क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव जैसे जो तुम्हारा देखोगे तुम्हारे किताब में जो टेबल बना हुआ है उसमें देखोगे सबसे ऊपर में फ्लोरीन है, फिर धीरे धीरे नॉन मेटल से ऊपर हैं, फिर बीच में तुमको हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन का जीरो होगा और उसके बाद जो है जो रिएक्टिव मेटल हैं सब उसके नीचे होंगे जिसका निगेटिव में होता है, जैसे लिथियम सबसे नीचे में है, तो लिथियम जो सबसे नीचे है तो वो सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ उस टेबल में और फ्लोरिन सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। लिथियम तुम्हारा क्या हो गया, लिथियम का इलेक्ट्रोपोटेंशियल हाइएस्ट पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का तुम्हें दिया हुआ है वो हाइएस्ट पॉजिटिव है, इक्वल टू हाइएस्ट पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव मतलब तुम्हारा टेबल में है तुम्हारा हाईएस्ट पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और फ्लोरीन का तुम्हारा ये तुम पॉजिटिव है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, फ्लोरीन का है तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल F- से बन गया F2 से F-, तो इसका है तुमको पॉजिटिव है, हाईएस्ट पॉजिटिव है इसका, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट में है, तो ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकते हो, तो ये जो सीरीज बनाया गया है जिसमें कि तुमको फ्लोरीन को सबसे ऊपर रखा गया तो ऑक्सीडाइज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो नीचे है उस सीरीज में जो तुम्हारा जो बुक का टेबल के आधार पर मैं बात कर रहा हूं उसमें सबका वैल्यू भी दिया इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसे मेजर करना है, एक को एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन लीजिए, एक इलेक्ट्रोन को लीजिए, अगर उस पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन टेक्ट होता है उसका रिडक्शन को निगेटिव लिखिए, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है उसको पॉजिटिव लिखिए, और इस तरह से एक टेबल तैयार कर लीजिए, और इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो कि तुम्हारा कहते हैं जो कि एक निश्चित क्रम में बना तैयार कर लेंगे टेबल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस सीरीज में जो कि तुम्हारा जो है सबसे मतलब जो तुम्हारे बुक का जो टेबल दिया हुआ जो वहां पर तो उसमें क्या है लिथियम जो जिसका सबसे ज्यादा निगेटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा दिया हुआ तुम्हारे टेबल में तो उसका क्या होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इस तरह से क्या कर सकते हैं टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो तुम्हारा है आज तुमको बताया, आज जो है सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेक्स्ट इक्वेशन ये सब तो नहीं बताया, सेल का कैसे निकालेंगे, अब जैसे कि देखो एक सेल का दो सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया तो सेल का इलेक्ट्रोड निकालने में क्या करना होगा, उसका भी मतलब कि उसमें दोनों इलेक्ट्रोड को घटाना पड़ेगा। अब बात रहा कि आईपीएससी कन्वेंशन क्या कहता है किसमें किसको घटाना है, तो वो तुमको कैथोड में क्या घटाते हैं एनोड को घटाते हैं, इन सब के बारे में जो तुमको नेक्स्ट जो तुम्हारा लेक्चर होगा पहले इसको जो है जितना आज इसको इस लेक्चर को देख लो उसका तुम एनसीईआरटी बुक से भी कुछ पढ़ सकते हो, और जो है जहाँ पर दिक्कत होगा तुम राइट टू ट्रेल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे उसमें संपर्क भी करते हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। और इसका जो नेक्स्ट तुम्हारा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कि तुम्हारा कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे जब कंसंट्रेशन चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा, इन सब के बारे में गैल्वेनिक सेल का तुम्हारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें उसको लिया जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।